जुल्फुर रहमान साहब पूछते हैं कि विच कंपनीज आर शेयर कंप्लायंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इज देयर एनी वेबसाइट यू कैन गाइड अस टू चूज प्रॉपर कंपनी, ऑल्सो कैन आई इन्वेस्ट इन पीपीएफ इन इंडिया। इन्होंने दो सवाल किए हैं, एक ये कि कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए और दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि पीपीएफ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस पर आते हैं कि पीपीएफ का मतलब होता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से बैंक सेविंग स्कीम एक तरह की होती है जिसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी रहती है। और पीपीएफ में एक तो वो होता है कि जो आपकी सैलरी से आपकी मर्जी के बगैर कट जाता है, और एक वो है कि आप अपनी मर्जी से सैलरी से एक अमाउंट उसमें से आप पीपीएफ में या पीएफ में उसको दाखिल करते हैं। तो इसमें देखने की बात यह है कि ये जो पैसा है गवर्नमेंट इसको कहां कहां लगाती है। तो अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट इसको लगाती है ऐसी जगहों पर जहां से इंटरेस्ट बेस्ड रिटर्न मिलता है, इसी तरह गारंटी रिटर्न मिलता है, और इसी तरह इसमें एसेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो इस एतबार से अगर इसमें उलमा की दोनों राय है कि बाज़ उलमा की राय यह है कि आप पीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या पीएफ में जो कुछ आपका कटेगा उसमें जो असल आपकी सैलरी से कटा है वो आपके लिए दुरुस्त है, और उस पर जो कुछ गवर्नमेंट ने दिया है तो अगरचे उसका नाम इंटरेस्ट होता है लेकिन हकीकत में वो इंटरेस्ट नहीं है बल्कि वो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का इनाम समझा जा सकता है। तो इस वजह से आप पीएफ पर रिटायरमेंट के बाद जो भी आपको रकम मिलेगी, चाहे वो असल रकम हो या इंटरेस्ट के नाम से जो इनामी रकम मिली है उसकी भी गुंजाइश है, वो भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल किया है कि शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स इंडिया में कौन से हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तकरीबन 5000 से ज्यादा कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसमें से 1500 कंपनीज तकरीबन ऐसी हैं तासीस के मुताबिक या इस्लामिक स्टॉक्स के मुताबिक या मुसफ़ा के मुताबिक कि वो कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। असल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको इंडस्ट्री स्क्रीनिंग करना पड़ता है, यानी कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार हलाल हो इसको देखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। आमतौर से होता यह है कि लोग सिर्फ इसको देखते हैं कि भाई ये हलाल कारोबार की कंपनी है तो बस इसमें इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्रियल स्क्रीनिंग कहलाता है। इसके बाद होता है फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। तो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो कितना है। चुनांचे अगर ये 33% से अगर कम डेट टू इक्विटी रेशो है तब ये दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा, और तीसरी बात ये होगी कैश एंड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज, ये भी 33% से कम होना चाहिए। रिसीवेबल कैश जो होगा कंपनी का वो 50% से कम होना चाहिए, और इसी तरह नॉन शरिया कंप्लायंट इनकम, इसलिए कि चूंकि बैंकिंग सिस्टम से सारी कंपनियां जुड़ी हुई है तो कुछ ना कुछ इनकम तो उनकी हराम की या इंटरेस्ट की होगी, तो वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो अब जाहिर है कि ये तमाम चीजें हर आदमी नहीं समझ सकता है, तो इस सिलसिले में चंद ऐसी हमारे पास इंडेक्सेस है कि जिसमें जो कंपनियां लिस्टेड होती है उसके स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं, जैसे कि बीएससी 500 शरिया इंडेक्स। ये एक बाकायदा शरिया इंडेक्स है, तासीस की तरफ से ये बनाया गया है, तासीस एक इदारा है मुंबई में कि जो कंपनियों पर नजर रखता है कौन कौन सी कंपनियां शरिया कंप्लायंट है कौन कौन सी नहीं है। तो लिहाजा ये बीएसई 500 शरिया इंडेक्स एक है, उसके बाद निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स एक है, ये एनएससी की तरफ से बाकायदा है, और इसी तरह तासीस का शरिया इंडेक्स है। इसमें जो कंपनीज लिस्टेड होती है इसको देखकर आप अपने स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा आसान तरीका यह है कि इस वक्त ऐप्स आ चुके हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टॉक्स है और मुसफ़ा है और इसी तरीके से इस्लामिकली है, इस तरह के ऐप्स हैं। आपने सिर्फ कंपनी का नाम डाल दिया तो ये बता देंगे कि ये हलाल है या नॉट हलाल है या डाउटफुल है, ये तमाम चीज़ें, या अंडर रिसर्च है, ये तमाम चीज़ें आपको उन ऐप्स के जरिए से पता चल सकती हैं। अलबत्ता कोई कंपनी शरिया कंप्लाइंट होने के बाद जब आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर लिया है उसके बावजूद भी आपको देखते रहना चाहिए कि क्या ये कंपनी हमेशा, यानी हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में उसको चेक करते रहना चाहिए कि ये वाकई शरिया कंप्लाइंट ही है या शरिया कंप्लाइंट नहीं रही है, तो फिर आपको अपना स्टॉक उसमें से निकालना होगा। तो बहरहाल आपने पूछा था शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको बता दिया। खुलासा ये है
के शरिया कंप्लायंट को जानने के लिए ऐप्स और इंडेक्सेस मौजूद हैं, उसका आप सहारा ले सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं।